है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सना। तो अगेन हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैक हैंड की जो है वो हम ईद स्पेशल मेमोरीज एंड क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट एलिमेंट्स। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर देखेगा, पूरा देखेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव हमारी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक अरेबिक शेप लिया है। इस बार हम डिफरेंट वे में जो है वो हमारे मेहंदी की डिज़ाइन में हम क्रिएट करेंगे हमारी ईद स्पेशल की डिज़ाइन, क्योंकि बहुत लोगों को खाली खाली ईद की डिज़ाइन जो है वो पसंद नहीं आती। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट और एलिगेंट है। यहाँ पे जो हमने शेप लिया था उसे कवर करते हुए हमें छोटे छोटे से एलिमेंट्स को इसमें ऐड ऑन करना है, वो भी लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा फिलर एलिमेंट लिया है, साथ में मैंने बॉर्डर लाइन को दिया है और यहाँ सेंटर में जो है मैंने क्रिएट किया है हार्ट शेप। अब लीव्स, स्पाइरल्स, बॉर्डर लाइन सब चीज़ की मदद से हमने ये सारा जो गैप है उसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से नए नए शेप लिए हैं और यहाँ पे बॉर्डर लाइन क्रिएट की है, हम्स क्रिएट की है और इस तरीके से मैं कुछ लीव्स को यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। लीव्स के एडजस्ट हो जाने के बाद हमें इस तरीके से और स्पाइरल्स की लाइन को क्रिएट करते रहना है ताकि जो हमारे बोल्ड हाईलाइट एलिमेंट्स है वो हाईलाइट अच्छे से हो पाए। अगेन इस तरीके से स्पाइरल लिया है मैंने और इसी तरीके से हमें हमारी डिज़ाइन जो है उसे कंप्लीट करनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इस तरीके की मैंने पूरा एक जो हमने लिया था शेप उसे कंप्लीट कर दिया है और अगेन यहाँ पे मैं दूसरा शेप्स क्रिएट कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लास्ट टू फिंगर की तरफ मैं इसे क्रिएट करूँगी। अब हमें सेम ही वे में इसे भी इसी तरीके से फिल करना है गाइस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी इस तरीके से फिल कर चुकी हूँ सेम ही एलिमेंट से लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ। बस हमें इसे क्रिएट करना है, हमारे गैप्स को कंप्लीट करना है। मेन हाईलाइट जो हमारा डिज़ाइन का हाईलाइट पार्ट है वो हम हमारा मून स्टाइल में क्रिएट करने वाले हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने और ज़्यादा फिंगर की डिज़ाइन को अट्रैक्टिव करने के लिए इस तरीके से नेटिंग चेक्स को क्रिएट कर दिया है और हमारा गैप पूरा फिल होने के बाद इस तरीके से नज़र आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम हमारे मून को जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मून को थोड़ा इस तरीके से आपको क्रिएट करना है और मून की एजेस को जो है उस पर हम क्रिएट करेंगे स्पाइरल और लीव्स के साथ हम सिंपली डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और सेंटर का मून है उसे हम खाली रखेंगे ताकि वो और अच्छे से हाईलाइट हो। तो इस तरीके से हमें कुछ क्रिएट करना है नॉर्मली, इस तरीके से स्पाइरल एंड लीव्स, स्पाइरल एंड लीव्स इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन है, आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से क्रिएट की है। बस इसी तरीके से मून को हाईलाइट कर देना है हमने। मून जब हाईलाइट हो जाएगा तो डिज़ाइन को और एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से जो है सेम फिलर एलिमेंट के साथ हमारी फिंगर की डिज़ाइन को थोड़ा सा हैवी करेंगे। फिंगर हैवी होगी तो डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और मून भी हमारा हाईलाइट हो जाएगा, बिकॉज मून को हमने एक परफेक्ट जो है वो स्पेस में क्रिएट किया है ताकि वो हाईलाइट हो सके। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से हमारी जो फिंगर की डिज़ाइन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लैम्प। लैम्प हमारा जो है वो मून के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है, तो इसे ज़रूर से क्रिएट करेगा, इस एलिमेंट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लैम्प को भी क्रिएट कर दिया है जो लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ है गाइस। और थंब की तरफ एक और हमने क्रिएट कर दिया है इस तरीके से स्पेस और यहाँ पे वापस से हम एक और लैम्प क्रिएट करेंगे ताकि डिज़ाइन और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आए।
अब फिंगर की डिज़ाइन और थंब की डिज़ाइन हम क्रिएट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारी एक लाइन है, पूरी लाइन में हम जूसी लीव्स को इस तरीके से छोटे छोटे वेज में क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो ये बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एलिमेंट है, तो बहुत ब्यूटीफुल भी नज़र आते हैं। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मैं इस तरीके से स्ट्रोक्स में क्रिएट कर रही हूँ। पूरी लाइन में हमें इसे इसी तरीके से क्रिएट करना है। क्रिएट होने के बाद और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से डॉट्स को भी क्रिएट कर दिया है। और अब हम हमारी थंब की डिज़ाइन को क्रिएट करके डिज़ाइन को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। मून को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देंगे। सारे डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाएगी, सारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मून और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और हाईलाइट नज़र आएगा और बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगा। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी यहाँ फिंगर की तरफ स्पेस बच गई थी, वहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे से लीव्स को क्रिएट कर दिया है। अब डिज़ाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगी, तो यहाँ पर मैं लाइन्स क्रिएट कर रही हूँ। इस लाइन्स में मैं लैम्प्स को हैंग करूँगी और साथ में मून और स्टार्स हैंग करूँगी। तो सेम ही लैम्प मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। लैम्प के साथ साथ मैंने स्टार्स क्रिएट किए हैं और स्टार और मून यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी और आप लोगों को इस तरीके की और डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा। बहुत ब्यूटीफुल लग रही और टिप्स के साथ भी आप इसका लुक देख सकते हो। इस ईद में इस डिज़ाइन को ज़रूर से लगवाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।